हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं आज और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैकानिज़म एल्कोहल फेनॉल चैप्टर का जो राइमर टाइम एंड रिएक्शन है वो लेके आप लोगों के पास आ गया हूँ। ये जो रिएक्शन है, ये मैकानिज़म आप लोगों को बहुत ही हेल्प होगा ये मैकानिज़म देख के, क्योंकि ये मैकानिज़म से आप लोगों को जो इसमें इलेक्ट्रोफाइल यूज़ होता है उसके बारे में आप लोगों को पता चलेगा, और जो मेन रिएक्शन है इसके बारे में भी बहुत सारा क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो। सो ये जो मेन रिएक्शन है जो राइमाटामिन रिएक्शन का, ये मेन रिएक्शन क्या है, इसमें देखिए यहाँ पे फेनॉल से जो NaOH क्लोरोफॉर्म, ये जो CaCl3 है इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म, ये यूज़ करके एसिडिफिकेशन करने के बाद ये सैलिसाइल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन में CHO ग्रुप रहता है। ये जो प्रोडक्ट होता है ये मेजर क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, देखिए इसका रीज़न है कि यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है OH का जो ऑक्सीजन है और CHO का जो हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये इसको क्या कर लेते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बना देता है। इसलिए ये सैलिसाइल्डिहाइड जो ऑर्थो पोजिशन में फॉर्मेशन होता है ये मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, चलिए अब NCERT बुक में जो दिया गया है रिएक्शन, ये रिएक्शन देखिए, फेनॉल के साथ ये NOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, सोडियम फेनोक्साइड के साथ ये CaCl3 जो है क्लोरोफॉर्म यूज किया गया, ये रिएक्शन करके ये ग्रुप अटैच होता है ऑर्थो पोजीशन में। ये ग्रुप कहाँ पे, ये जो ऑर्थो पोजीशन में अटैच होता है और HCl यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाता है, HCl निकल जाता है, फिर ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है, यहाँ पे NOH फिर से ऐड किया गया, और ऐड करने के बाद क्या होता है, ये जो दो क्लोरीन है, ये दो क्लोरीन को दो NOH देने के बाद ये दो क्लोरीन को रिप्लेस करके दो OH ग्रुप ऐड हो जाता है। फिर H2O रिमूव करके यहाँ से यहाँ पे क्या होता है, CHO ग्रुप फॉर्मेशन होता है, और फाइनली इसको एसिडिफिकेशन करने के बाद ये सैलिसाइल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसका जो मेन मैकानिज्म क्या है। देखिए यहाँ पे मैकानिज्म दो स्टेप में बताया गया है। फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे दिखाया गया, देखिए ये जो क्लोरोफॉर्म है CaCl3, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, तो आप लोगों को तो पता ही है ये जो क्लोरीन है ये क्या है, -I इफेक्टिव ग्रुप। तो इसके इसका मतलब क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी फ्रॉम कार्बन ज़्यादा होता है, मतलब खुद के तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, तो खींच लेने के बाद क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन खुद के तरफ खींच लेते हैं, और जो OH- जो NOH सॉल्यूशन में प्रोवाइड करते हैं वो क्या होता है, ये कार्बन पे अटैक करते हैं और ये H+ को रिलीज कर देते हैं, और H2O फॉर्मेशन करके ऐसे H2O यहां से निकल जाता है, और यहां पे क्या होता है, कार्बन के ऊपर माइनस फॉर्मेशन होता है। देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पे कार्बन के ऊपर ये माइनस साइन फॉर्मेशन हो गया और ये लोन पेयर हो गया, क्योंकि यहां से CH बॉन्ड ब्रेक हो गया है। ठीक है, चलिए अब यहां से और एक मॉलिक्यूल कार्बन जो है, कार्बन यहां से और एक मॉलिक्यूल ऐसे दिखा सकते हो, कार्बन और एक मॉलिक्यूल क्लोरीन यहां से चला गया, तो एक मॉलिक्यूल क्लोरीन चले जाने के बाद यहां पे क्या होता है, देखिए कार्बन के ऊपर ये जो माइनस साइन जो होता था वो माइनस साइन चला गया, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, क्योंकि क्लोरीन इसको लेके चला गया इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, देखिए एक दो तीन चार और पाँच छः, मतलब कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, समझ में आ गया, CCl2 डॉट, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। अब देख लेते हैं स्टेप टू जो रिएक्शन है, देखिए यहाँ पे ये जो मेन रिएक्शन फेनॉल लिया गया, फिर OH- क्या करेगा, OH- यहाँ पे जो H+ है इसको लेके चला जाएगा, फिर ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे माइनस फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो H2O लिबरेट हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे नेक्स्ट ये स्टेप जो है ऑक्सीजन के ऊपर माइनस फॉर्मेशन हो गया,
और यहाँ पे बॉन्ड जैसे कि वैसे ही रहा। फिर क्या होगा, ये जो माइनस है यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा, फिर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर ये जो माइनस पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पे कॉर्नर पे माइनस हो जाता है। ठीक है, फिर ये जाकर नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो माइनस फॉर्मेशन हो गया और ये माइनस जाकर यहाँ पे जो डाइक्लोरोकार्बिन है इसमें जाकर, मतलब ये इसका तो इलेक्ट्रॉन का भूखा है ना, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो यहाँ पे ऐसे अटैक करेगा। फिर अटैक करने के बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज फॉर्मेशन हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया है। फिर यहाँ पे दो क्लोरीन तो है ही, ऑक्सीजन को साथ डबल बॉन्ड वो भी सेम ठीक ठाक है। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है बेंजीन के ऊपर इसमें एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है ही। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे कार्बन का मतलब बेंजीन का एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर देगा और ये माइनस इस एच प्लस को ले लेगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर देख लेते हैं क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये जो माइनस दिखाया डबल बॉन्ड तो हो गया यहाँ पे, और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होना हो जाने के बाद देखिए ये सी और एच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया और ओ माइनस, यहाँ पे ओ माइनस हो गया क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो है ये माइनस फॉर्मेशन होने के बाद इसके ऊपर भी पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस फिर से आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ गया। ठीक है, अब दो मोलिकूल जो NOH प्रोवाइड किया गया, ये NOH प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, दो मोलिकूल OH माइनस प्रोवाइड करेगा। ये दो मोलिकूल OH माइनस ये यहाँ से अटैक करेगा इस कार्बन को, यहाँ से भी ये कार्बन को अटैक करेगा और ये क्लोरीन और ये क्लोरीन दोनों ही यहाँ से निकल जाएगा। फिर क्या होगा, फिर देखिए यहाँ पे जो कार्बन के साथ एक्चुअली जो CHO था मतलब ऑक्सीजन था, ये दो मोलिकूल ऑक्सीजन ऐड होने के बाद क्या हो सकता था, इसका जो प्रोबेबल स्ट्रक्चर देखिए, इसका प्रोबेबल स्ट्रक्चर हो सकता था ऐसे, कार्बन के साथ एक तो हाइड्रोजन है ही और एक OH और एक OH। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन OH ग्रुप और यहाँ पे भी OH ग्रुप दो क्लोरीन को रिप्लेस करके चला आया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड कर देगा और ये OH ग्रुप निकल जाएगा, मतलब यहाँ से H2O निकल गया। तो क्या रहेगा यहाँ पे, ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, इसके बाद जो होगा बेंजीन, फिर यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड O और H और ऑक्सीजन के ऊपर ये माइनस रह गया। ठीक है, फाइनली इसको एसिडिफिकेशन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा सेलिसेल्डिहाइड, मतलब यहाँ पे CHO और ये इसमें अटैक करेगा, तब आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे सेलिसेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये है हम लोगों के पास डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये है ओवरऑल राइमाटाइमेन रिएक्शन का मैकानिज्म। ओवरऑल रिएक्शन में फिर से बता रहा हूँ, देखिए फेनॉल के साथ NOH और क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करके फिर ये सेलिसेल्डिहाइड होता है, ऑर्थो प्रोडक्ट यहाँ पे मेजर होता है। क्यों ऑर्थो प्रोडक्ट यहाँ पे मेजर होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे जो होता है वो होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देम। फिर यहाँ पे जो NCRT का रिएक्शन वो बताया गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म है इसको ये जो OH माइनस NOH से आता है, ये न्यूक्लियोफाइल H प्लस को मतलब कार्बन पे अटैक करके H प्लस को लेके गया और ये माइनस का इफेक्ट क्लोरीन खुद के तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। फिर इसमें H2O लिबरेट होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, कार्बन के ऊपर माइनस साइन फॉर्मेशन हो गया और ये क्लोरीन निकल जाएगा। फिर यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या होगा, एक लोन पेयर जो है वही रहा और 6 इलेक्ट्रॉन रहा, इसको कहा जाता है डाइक्लोरोकार्बिन, जिसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, 6 इलेक्ट्रॉन। फिर फेनॉल लेके गया, ले यहाँ पे देखिए स्टेप 2 में फेनॉल आ गया, तो फेनॉल में क्या होगा, और एक OH माइनस जाके अटैक करेगा हाइड्रोजन को और O- फेनोक्साइड आयन फॉर्मेशन हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो माइनस है
ये डबल बॉन्ड कर देगा और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पे माइनस हो गया। फिर ये माइनस जाकर वो जो डाइक्लोरोकार्बिन था इसमें अटैक किया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो माइनस है ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन के साथ बेंजीन में एक तो हाइड्रोजन है ही और एरोमेटिसिटी के लिए ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये माइनस जाकर H प्लस को अटैक कर लिया। फिर 2NaOH देने के बाद दो OH मॉलिक्यूल प्रोवाइड करेगा, वो जाकर यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा और आप लोगों को तो पता ही है क्लोरीन इज ए गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो हेलोजन तो लिविंग ग्रुप होता ही है, तो साइज ज़्यादा बड़ा होगा तो उसका क्या होगा, मतलब आयोडीन सबसे ज़्यादा लिविंग ग्रुप, फिर होगा ब्रोमिन, फिर क्लोरीन, ऐसे होता है लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। सो क्लोरीन निकल जाएगा, फिर यहाँ पे दो OH ग्रुप ऐसे करके ऐड हो जाएगा और ये H डबल बॉन्ड कर देगा, H प्लस चला जाएगा और OH माइनस भी लिबरेट हो जाएगा। तो H2O लिबरेट होने के बाद यहाँ पे आप लोगों के पास मिल जाएगा CHO। फिर O माइनस क्या करेगा, यहाँ पे एसिडिफिकेशन के थ्रू H प्लस प्रोवाइड किया गया और ये H प्लस को अटैक करके सैलिसिलाइड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दैट्स ऑल अबाउट Riemann-Tiemann reaction and its mechanism. Thank you. Thanks for watching this video.